मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं फाइबर यूनिट का हेड हूँ। यहाँ पे हम कंचन ग्रुप में फाइबर प्लांट में कचड़े से, वेस्ट प्लास्टिक बोतल से फाइबर बनाते हैं, जिसका आगे चल के हमारे यहाँ पे यान भी बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास में स्क्रैप फॉर्म में बोतल्स आती हैं, प्लास्टिक कचड़ा आता है, फिर उसको हम सॉर्टिंग करके, प्रोसेस करके और यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर हमारे कंचन में ही इन हाउस स्पिनिंग प्लांट में यूज़ होता है, जिसका आगे धागा बनता है, फिर धागे से इसका फैब्रिक बनता है। ये भीलवाड़ा के अंदर सबसे बड़ा प्लांट है और हम लोग ही, हमारे पास ही ऐसा सेटअप है कि हम लोग प्लास्टिक कचड़े से फैब्रिक तक बनाते हैं। स्टार्टिंग में हम कन्वेइंग सेक्शन है, कन्वे करके बेल को ब्रेक करके, बेल की फॉर्म में आती है बॉटल्स, तो बेल को ब्रेक करके, उसके बाद वॉशिंग सेक्शन है, प्री वॉशिंग सेक्शन, उसमें स्टीम और कास्टिक से हम उसको वॉश करते हैं बॉटल को, तो उससे कचरा वगैरह उसका अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर जो बोतल है वो आगे कन्वे होती है, फिर आगे रेपर सॉर्टर मशीन है, तो उसमें क्या है कि जो बोतल पर रेपर वगैरह लगा रहता है, नेम वगैरह, स्टिकर वगैरह, वो सबको रिमूव किया जाता है, और फिर आगे रेपर ड्रम है तो वो रेपर को उड़ा देता है, मतलब एक तरीके से अलग कर देता है सेपरेट। उसके बाद सॉर्टिंग होती है, ऊपर प्लेटफॉर्म रहता है, उस पर मैन्युअली लेबर जो होती है वो सॉर्ट करती है, मतलब पेट बोतल को, अपने को रिक्वायरमेंट पेट बोतल की, तो पेट बोतल आगे जाने दिया जाता है, बाकी की जो अलग अलग तरह की बोतल होती है, जैसे पीवीसी वगैरह, पीवीसी की बोतल, पीपी की बोतल, उनको डिफरेंशिएट करके रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्रशर सेक्शन आता है, तो बोतल को वहाँ पे अपन को कटिंग करना होता है। आगे फिर हमारे कलर सॉर्टर मशीन लगी हुई है। कलर सॉर्टर में क्या, डिफरेंट टाइप के जो कलर को अलग किया जाता है, क्योंकि हमको जैसे व्हाइट फ्लेक्स की ही जरूरत है, तो व्हाइट फ्लेक्स को ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फ्लेक्स प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद हमने चार टैंक बना रखे हैं, साइलो टैंक, स्टोरेज करने के लिए फ्लेक्स को, तो हम उसमें फ्लेक्स स्टोरेज करते हैं। फ्लेक्स स्टोरेज के बाद में चार्जिंग सेक्शन से वहाँ पे हम फ्लेक्स को ब्लोवर के थ्रू कन्वे करते हैं। 600 टन कैपेसिटी का अपने स्टोरेज साइलो टैंक बना रखा है, 600 टन का अपन फ्लेक्स स्टोरेज उससे कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के हम उसमें फ्लेक्स स्टोर करते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मेटल बनाना है उसके अकॉर्डिंग, कभी ग्रीन मेटल है तो मतलब ब्लैक धागा बनाना होता है तो ग्रीन वाला फ्लेक्स, तो उसके हिसाब से हमको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम चार्जिंग करते हैं ऊपर स्पिनिंग बिल्डिंग में। रिसीवर टैंक में आने के बाद नीचे आता है क्रिस्टलाइजेशन सेक्शन। क्रिस्टलाइजेशन सेक्शन के बाद उसमें 160 डिग्री टेम्परेचर का एयर ब्लो किया जाता है, ताकि उसमें जो कचरा वगैरह जो रहे, फाइंस वगैरह, वो सेपरेट हो जाए साइक्लोन के थ्रू और अदर मटेरियल जो है नीचे चला जाए। उसके बाद जो आता है फ्लेक्स जो है एक्सट्रूडर मशीन में आता है। एक्सट्रूडर मशीन में क्या होता है, फ्लेक्स को केवल हम मेल्ट करते हैं, पॉलीमर जनरेट करते हैं उससे। उसके बाद स्पिनिंग बीम सीपीएफ सेक्शन आता है। सीपीएफ सेक्शन में क्या, फिल्टर लगे होते हैं, उससे फिर धागा बनता है। वहाँ पे क्विंच यूनिट धागा जो है क्विंच यूनिट से निकलता है। वहाँ पे क्विंच यूनिट में क्या होता है, पीछे से हम एचयू की जो चिल्ड एयर होती है वो उस पर फ्लो करते हैं, वो धागा फिर टेकअप पे जाता है। टेकअप पे गन के थ्रू धागा लगाया जाता है और सनफ्लावर मशीन से होते हुए वो नीचे कैन में कलेक्ट होता है, उनको फिर ड्रा लाइन में चलाया जाता है। अब ड्रा लाइन में क्या, बेसिकली धागे को जो है ड्रा करना होता है, तो ड्रा बाद में फर्स्ट ड्राफ्टर से सेकंड ड्राफ्टर के बीच में क्या होता है, धागे को थोड़ा ड्रा किया जाता है, लगभग तीन गुने के आसपास। उसके बाद एनीलर में जाता है, एनीलर पे रोल पे चलता है धागा, उसमें क्या स्टीम के थ्रू 200 डिग्री टेम्परेचर तक अपन रखते हैं रोल पे अलग अलग पार्ट में। उसके बाद क्रिम्पर मशीन आती है, क्रिम्प प्रोड्यूस करती है। क्रिम्पर के आगे फिर कन्वेयर आता है, कन्वेयर से माल मटेरियल जो है आगे जाता है, फिर कटर पे जाता है, फाइबर कटर में जो जैसा रिक्वायरमेंट होता है नेक्स्ट स्पिनिंग प्लांट में, उसके अकॉर्डिंग उसको काटा जाता है अलग अलग साइज में। वो काट के फिर बेल पैकिंग मशीन में फाइनली अपन उसको पैक कर देते हैं। मैनुअली पैकिंग होता है, मतलब स्ट्रिप मैनुअली लगती है, बाकी सारा प्रोसेस उसमें ऑटोमेटिक होता है, और इस तरीके से फाइनल अपना बेल बन जाता है।